जा रहा हूँ वो एक खत का रूप है। इसका हैशटैग है प्यारे पापा। तो पिताजी ये आपके लिए, आज पता नहीं क्यों आपको लिखने का मन हो रहा था। आज सुबह जब आपके साथ सिलेंडर भराने गए थे ना, तो कहना चाहते थे यार पापा कितना कुछ करते हो आप। आप जब मोटरसाइकिल पे हमारे पीछे बैठते ना तो हाथ कांपते हमारे। वैसे तो कभी आपसे कुछ बहुत ज्यादा बोलने की हिम्मत हुई नहीं, पर आप रेडियो रोज सुनते हैं, इसीलिए जीना जी को एक खत भेज रहे हैं कि वो पढ़कर सुनाते हैं इसे। बचपन से लेकर आज तक जब हम मम्मी से किसी चीज के लिए जिद आते थे और मम्मी कंटाप मार के बिठा देती थी, तो आप ही हमको बाजार से वो चीज लाकर दिलाते थे। और हम यही सोचते थे कि पापा सब ला देते हैं, फिर भी हम आपसे कुछ क्यों नहीं मांग पाते। दिमाग पे थोड़ा जोर डालते हैं तो इसका जवाब भी मिल जाता है। हमें अभी भी याद है जब हम 8-9 साल के थे और आपके दोस्त सुनील अंकल के यहाँ गए थे। उनके यहाँ पानी के साथ मिठाई भी आई थी और हम उस पर टूट पड़े थे, मतलब 3-4 पीस खा लिए थे और 3-4 जेब में भी भर लिए। आपका झेपना स्वाभाविक था, वहां तो आपने कुछ नहीं कहा, पर उनके यहां से लौटते वक्त रास्ते वाली कुटाई आज तक याद है हमें। उसके बाद आपने कभी जिंदगी भर हाथ नहीं उठाया, पर उसका असर आज तक जहन में। शायद इसीलिए आज तक कभी कुछ चाहिए होता है तो मम्मी से ही बोलते हैं, ये जानते हुए कि मम्मी अभी अभी बरस पड़ेंगी। पता है पापा, आप जब अपनी साइकिल के डंडे पे बिठा के स्कूल ले जाते तो एक ठो तौलिया भी मेरे नीचे रख देते थे और हम साइकिल की घंटी बजा के हंसते और बार बार आपका चेहरा देखते और आप हर बार मुस्कुरा देते। साइकिल के डंडे पे बैठ के घूमने वाले लड़के समझते होंगे बिना तौलिए के बैठने का दर्द। छोटे शहर के रास्तों में गड्ढे नहीं, सड़क बचा के चलना पड़ता है। हाँ, हमारी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आप कभी आए नहीं, शायद जानते थे कि फातिमा मैम क्या बोलने वाली हमारे बारे में। लेकिन चाहे 2 नंबर पाए चाहे 4, कभी भी आपने पढ़ाई को लेकर लपड़ नहीं मारा हमें। आपने कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया, ना कभी रोका टोका। शायद आपका ये विश्वास ही हमें कोई भी गलत काम जो आजकल के कूल लड़के करते हैं उसे रोके रखता है। ऐसा नहीं है कि कभी गलत काम किया ही नहीं, पर पकड़े नहीं गए और आदत भी नहीं डाली। जब मैंने 10वीं टॉप किया था तो आपने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी, और जब 12वीं में 2nd डिवीज़न पास हुए थे तो भी पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी। आपका प्रेम ना कभी नंबरों का मोहताज नहीं रहा। हमने नेवी छोड़ी, इंजीनियरिंग छोड़ी, नौकरी छोड़ी, पर आपके चेहरे पे कभी भी इस बात का मलाल नहीं देखा। पता है पापा, जब आप रात में घर आते और हम डर के मारे सोने का नाटक करते थे और आप मम्मी से पूछते थे कि शेखर खाना खाए, तो अच्छा लगता था। ऑफिस का गुस्सा आपने कभी मेरे गालों पे नहीं उतारा। आपके आते ही आपके झोले में अपने लायक सामान ढूंढना और कुछ पा जाना, ये ऐसा सुख है जिसे हम अभी तक मुस्कुरा के फील करते हैं। और हाँ पापा, आप खाना बनाना ट्राई मत किया करिए, सबको जबरदस्ती खाना पड़ता है। सच्ची 75 कहानी लिखे हम, और वो भी लव स्टोरी। हालांकि इतना प्रेम नहीं रहा जिंदगी में, पर आज तक एक भी आपको पढ़ाने की हिम्मत नहीं हुई। वो कहा है ना, शर्म आता है हमको, और इसके भी जिम्मेदार आप हैं। बचपन में एक भी बच्चन साहब की फिल्म मिस नहीं होनी दी आपने। शोले, दीवार और कालिया में तो एडवर्टीजमेंट में भी आप चैनल नहीं बदलते थे। पापा यार, लिखने को बहुत कुछ है पर आपके लिए शब्द नहीं है। दुनिया में हर लड़के के लिए उसके भगवान उसके पापा ही होते हैं। बचपन में हर लड़के की तरह हम भी सचिन बनना चाहते थे, पर अब आपके जैसा बनना चाहते हैं। आप हमारे सुपर हीरो यार, हमेशा से और हमेशा के लिए। आपका निहायत ही नालायक लड़का।